ओके मंजुषा जी का एक सवाल आया है। इनके पास M&M फाइनेंस के 100 शेयर हैं 160 रुपए के दाम पर, और दूसरा डेल्टा कॉप के 50 शेयर हैं 163 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इन दोनों पोजीशंस में? देखिए M&M फाइनेंस में तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पे अभी तो फिलहाल स्टॉक अपने एक अच्छे शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और एक स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें, और वो रहेगा मेरे ख्याल से कल का जो कैंडल बना वो बहुत एक इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लेवल था, तो आई थिंक उसके नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, 217.40 रुपए पे एक स्टॉप लॉस बना के रखें और M&M फाइनेंस से बने रहें। और जहाँ तक रही डेल्टा डेल्टा की बात, वहाँ मैं एक ही सेकेंड में आपको चार्ट पुल करके वहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, स्टॉक थोड़ा सा अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज के जस्ट नीचे ट्रेड हो रहा है, बट वो कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है जिस तरह के सेटअप्स हैं कि द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चांसेस है कि अपसाइड ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा और आपको ऊपर में 230-240 के टारगेट्स भी यहाँ आते हुए दिखने चाहिए। अच्छा। तो ट्रेड में बने रहे डेल्टा में और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 204.40 रुपए। पूजा श्रीवास्तव पूछ रही है इनके पास 800 शेयर है मिर्जा इंटरनेशनल के और 800 ही शेयर हैं तेजस नेटवर्क के, इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए मिर्जा में तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुनाफा बांधे, थोड़ा पैसा लेके जाएं ऑफ द टेबल, तो मिर्जा में थोड़ा मुनाफा बांध लें, जो भी प्रॉफिट है उसको थोड़ा सा बांध लें, कैपिटल निकाल लें, ये राय रहेगी। और दूसरी बात रही जहां तक तेजस की, वहां पे मेरा मानना यह है कि ट्रेड में बने रहे यहाँ पे भी, और मेरे हिसाब से एक 3% एक 3% का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बना के रखें, आई थिंक 18-20 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस रखें, आई थिंक 610 के आसपास आएगा, 610 का एक स्टॉप लॉस बना के रखें और ट्रेड में बने रहें। तो आपको दोनों ही स्टॉक को लेकर रणनीति बता दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए सर्वेंद्र, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए।